Assalamualaikum guys, this is Danish Sumro and welcome back to my channel Store4e.pk. Guys, आज जो हम फोन के टेस्ट देने जा रहे हैं आपको PUBG टेस्ट, ये मेरे एक फॉलोअर ने डिमांड की कमेंट बॉक्स में कि हमें जो है G9 Plus की वीडियो ऑलरेडी है हमारे पास, वहां पर आप देख सकते हैं ये Motorola G9 Plus और ये इसकी इसका रिव्यू हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और एक ने डिमांड की कि भाई इसका पबजी टेस्ट दो, तो हम इसका पबजी टेस्ट देने जा रहे हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हम आपको एक बात और भी बोलने जा रहे हैं, आपको किसी भी चीज का रिव्यू चाहिए किसी भी फोन का या किसी भी फोन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम आप उसके लिए आपको गेमिंग टेस्ट भी देंगे। अगर आपको किसी डिवाइस का कैमरा टेस्ट चाहिए या पर्टिकुलर किसी ऑप्शन के बारे में जानना है तब भी आप लिखें तो हम आपको वीडियो बना के अपलोड करेंगे और आप उसकी देख सकते हैं। सो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें और चलते हैं गेमिंग टेस्ट की तरफ, विच इज अ मोटरोला G9 प्लस। ये 4GB और 64GB में आता है और 64 मेगापिक्सल विद 6000 mAh बैटरी के साथ ये ब्रांडेड आते हैं। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है बॉक्स के साथ या बॉक्स में नहीं मिलता, जस्ट फोन और जिसको हम बोलते हैं मार्केट में किट मिल जाती है इसकी मार्केट में अंडर 30,000 में। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट स्टार्ट विद द पबजी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अपना जो है पबजी जो है कितनी देर में जो है स्टार्ट होती है। सो यहाँ से इसको मैं दोनों को प्ले कर दिया और अब टाइमर आपके सामने ऑन है, देखते हैं कि कितने सेकंड्स में ये ऑन होती है गेम। गाइज ये 31 सेकंड्स में ऑन हुई है गेम। अब हम इसकी ग्राफिक्स चेक करेंगे, आपको पता है सबसे पहले हम ग्राफिक्स ही चेक करते हैं। सो अब जा रहे हैं सेटिंग्स में और ग्राफिक्स। सो ये यहाँ पर आपको स्मूथ और अल्ट्रा पे दे रहा है, एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा, बैलेंस्ड पे आपको भी अल्ट्रा दे रहा है, HD पे हाई दे रहा है और HDR पे नहीं जा रहा। सो ये इसकी गाइस ग्राफिक्स हैं गेमिंग की। 720 स्नैपड्रैगन में मेरे ख्याल से इतनी तक ही जाता है, बाकी डिवाइसेस में भी और इसमें भी यहाँ पर ही है। अच्छा अब गेम स्टार्ट हो गई है तो मैं आपको पहले इसका टेम्परेचर बता दूँ। अभी जैसे ही गेम स्टार्ट हुई है तो इसका टेम्परेचर जो है वो 36.2 है टेम्परेचर और ये आपके सामने है। अब गेमिंग में हम इसको 10 मिनट की गेम टेस्ट करेंगे और फिर हम टेम्परेचर चेक करेंगे तो कितना हीट अप होता है। बैक से भी अगर मैं आपको चेक करके बताऊं तो दिस इज़ अ 36.4 और ये 36.4 जो है आपका टेम्परेचर है। अब हम गेम प्ले की तरफ जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टार्ट भी कितनी देर में गेम हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट। इट डिपेंड्स ऑन द नेट स्पीड टू, बट मीन्स के फ़ोन के हिसाब से ये यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। 28 सेकेंड्स लिए हैं इन्होंने और यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गई। गाइज 10 मिनट हो गए हैं और अब इसका हम हीट टेस्ट करेंगे। बट हीट टेस्ट से पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, इसकी बैटरी बहुत ही बेहतरीन है, 92% पे था। मैं 10 मिनट खेला हूं गेम और 1% ही ड्रेन हुई है और 93 पे था बल्कि 2% ड्रेन हुई है, 91% पे बैटरी अभी तक आ रही है। सो अब मैं आपको अगर रूम टेम्परेचर दिखाऊँ तो रूम टेम्परेचर हमारा है अभी 35। सो ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। अब मैं इसको टेस्ट चेक करते हैं कि इसका जो है सरफेस क्या है। सो 36.9 इतना हीट नहीं हुआ, फ़ोन हीटअप नहीं हो रहा। यहाँ बैक से भी मैं आपको दिखा दूँ 36.9। सो गाइज ये इसका हीटिंग टेस्ट है, ऊपर से यहाँ से भी देख लें आप 36.7 है और यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ 36.4
यहाँ से अगर आप देखें 37.1, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हीटअप दिखा रहा है, बट इतना हीटअप नहीं हुआ। अगर हम बाकी फ़ोन्स की बात करें तो वो 40 तक चले जाते हैं। ये सेंटीग्रेड में हमने मेजर किया है और टेम्परेचर आपके सामने ही है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट पबजी टेस्ट। सो गाइज, आपको अगर और कुछ रिव्यूज चाहिए और कोई गेमिंग टेस्ट चाहिए या किसी भी फ़ोन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियोस बहुत और अच्छी आने वाली है। सो स्टे ट्यून, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज दानिश सुमरो, अल्लाह हाफिज़।